निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझें कि कब हमें इलाज की ज़रूरत है और कब हमें घरेलू इलाज करनी है। जी, आँख जो है एक विंडो ऑफ ऑल आई डिजीजेज है। आँख के सिम्टम्स बहुत तरह के होते हैं और हर बार इसका जो रूट कॉज आँख ही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। आप अगर रात में नहीं सोएंगे तो आपकी आँखें चढ़ी हुई रहेंगी, आँखें दर्द होगा, तो उसका इलाज आपका रेस्ट है। अगर आप स्ट्रेस और टेंशन में रहते हैं तो आँखों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, आप डॉक्टर के यहाँ घूमेंगे, मगर इलाज वो रेस्ट है। तो वैसे व्यक्ति के लिए डी स्ट्रेस रहने के लिए पहले तो बहुत देर तक भूखे न रहें, बहुत तक जगे न रहें, टेंशन न करें और योग प्राणायाम करें, मेडिटेट करें, जिससे कि टेंशन फ्री होंगे तो आँखों का दर्द वगैरह वो ठीक होगा। इसके साथ ही आप देखें कि आँखों में लाली आ गई अचानक, तो अचानक लाली आ गई तो कोई बात नहीं है। हम लोग बिहार में रहते हैं, यहाँ के आगे में धूल है, धक्कड़ है, बहुत गंदा नेचर ऑफ वर्क है, तो लाली अगर आई है और कोई और तकलीफ़ ना हो तो पानी से आँख धो करके आप उसको समय दें। अगर अलाइड और कोई दिक्कत ना हो तो कुछ ना करें, हो सकता है रेस्ट लेने से, पानी आँख धोने से ये ठीक हो जाए। अगर इन्फेक्शन होगा लाली के साथ तो लाली के साथ कीचड़ आएगा, रड़क आएगा, धूप में देखने में दिक्कत होगा, तो वो उसमें आप इन्फेक्शन है, आप उसको कंजंक्टिवाइटिस के रूप में एंटीबायोटिक ड्रॉप लें। लेकिन अन्यथा अगर आप कहीं से आए और आँखें हल्की लाल हो गई तो पानी से आँख देके आप उसको कंट्रोल करें। दूसरा है क्या कि मान लीजिए जैसे आँखों में कभी कभी हेमरेज हो जाता है, सबके मतलब हेमरेज, तो इसके लिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसके लिए डिस्ट्रेस टेंशन वगैरह ना रहे, इसका जो मैंने कहा। आँखों में दाने हुए तो दाने का इलाज लिड हाइजीन है, आप अगर अपना हाइजीन मेंटेन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसमें आँखों में साफ़ करना, लिड फोम से साफ़ करना, बाल में रूसी नहीं रहना जिससे कि ना हो। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, और आज के समय में, आज के दौर में कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टीवी, ये सब चीज़ें आपके रूटीन में आ गई है। तो इससे जो आँखों में जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या ड्राइनेस होता है, तो आप ये सब घरेलू उपचार में करें कि इन सब पर काम करना है। तो अपने आँखों के पानी से आँख धोते रहें, बीच बीच में ऑफ वर्क लें, आँखों को बंद रखें एक दो मिनट, पानी से आँख धोएं। तो इन सब चीज़ों से आपका जो कंप्यूटर के साइड इफ़ेक्ट वाले चीज़, ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकेगा। तो कुछ भी आप इलाज कराएं ना कराएं, इलाज तो टेम्प्रोरी फेज़ है, लेकिन आप अपने परहेज से, उपचार से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बीमारियों का क्योर नहीं होता है, कंट्रोल होता है, और कंट्रोल की चाबी आपके हाथ में होती है। तो प्रॉपर रेस्ट लें, पानी को क्लीन करें, क्लीन करिएगा तो उसका फ्लशिंग आउट होता है। अगर आप धूल धूप में गए, आज का समय है धूल धूप में निकलना है लोगों को, लोग को बाहर जाना है, बिहार में जो पोल्यूशन जो है रहता है वो है, तो आप जो कुछ पोल्यूशन वगैरह लेके भी आए और घर आकर के पानी से आँख धो लिए तो ये ड्रेन हो गया या फ्लश हो गया। जब फ्लश हो गया तो आप बचे रहेंगे, छोड़ देंगे तो वो अंदर में जाके बैक्टीरिया लेके कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है। तो पानी से आँख धोना, परहेज करना, प्राणायाम करना, टेंशन फ्री रहना, समय पर सोना, और अगर कोई लाली वगैरह हो जाए तो उसके लिए बैठ करके आप उसको या तो आराम कर लें, तो फिर डॉक्टर को उसको अगर कंजंक्टिवाइटिस हो तो दिखाएं। लेकिन घरेलू उपचार से खान पान में हरी सब्जी, साग, गाजर, पीला फल, ये सब चीज़ें आँख के लिए लाभदायक हैं। बच्चों को घरेलू उपचार में क्या करना है कि बच्चों को खान पान पर करना है, बच्चों को मोबाइल फ़ोन, वीडियो फ़ोन, ये सबसे रोकना है, कैंथा इस्तेमाल ना करें जो आँख के लिए उनको हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों के भी वो आउटडोर एक्टिविटी भी करें। इन सब चीज़ों से आँख का जो घरेलू उपचार से आँखें को हम लोग सेहतमंद रख सकते हैं जी।